तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोंड नोएडा इंडिया से, और आज हम बात करने वाले हैं निसार रिनल्ट की डस्टर है। इसमें प्रॉब्लम तो बतेरा है आपको, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम टेस्ट करवाता हूं मैं। इंजन मिसिंग है, पिकअप नहीं है गाड़ी के अंदर, माइलेज बिल्कुल ख़त्म है, धुंधू धुंधू धुआं दबा के दे रही है, और एक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पहली बात की सुबह ठंडी में स्टार्ट नहीं कर सकते, तीन चार आदमी चाहिए, पेट्रोल सुंघाओ या फिर दबा दब पंप मारते रहो तब कहीं जाके स्टार्ट होगी। तो पूरी डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं, डीजल की है। तो इंजन का कंडीशन देख सकते हैं आप, 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, अराउंड 1,00,000 मतलब अभी पहुंची नहीं है 1,00,000 पे, 97,000-98,000 के समथिंग है। अब गाड़ी को सबसे पहले इग्निशन ऑन करते हैं, 97,543 किलोमीटर। नहीं स्टार्ट हो रही है अभी, या तो पेट्रोल सुंघाओ इसे तब स्टार्ट होगी। अभी पेट्रोल सुंघाया तो गाड़ी स्टार्ट है, रेस दे रहा हूँ कहीं बंद ना हो जाए, धा 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 कर रही है। हटाना जरा, अभी देखो धुआं धुआं हो रहा है यहाँ। भाई रुक जा, वाइट स्मोक दे रहा है अभी, और चल रहे चल बस, रेस दे जरा रेस दे। बस देख रहे हो नहीं कैसे रेस देने पे आवाज खड़खड़ खड़खड़ की आ रही है, चल रेस दे। रेस दे। ढक्कन खोल, दो पाजी मुझे जाए सर। हैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वह हटा, चल लगा दे ढक्कन लगा। तो इसका इंजन वीक है और इंजन ही खोलने वाले हैं, इंजन ऑयल भी कम कर रही है बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है 5,000 किलोमीटर में पूरा सफा चट हो जा रहा है, A to Z सब ख़त्म हो जा रहा है इंजन, और वाइब्रेशन देख ही सकते हैं इंजन की, देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा, मिसिंग बहुत तगड़ी है, पिकअप जीरो है। तो अभी हमने स्टार्ट किया गाड़ी को, बड़ी मशक्क़त करा स्टार्ट करने में, गाड़ी स्टार्ट हो गई, साउंड बुरा है, खड़खड़ खड़खड़ की आ रही है साउंड, रेस मत दे वॉइस डिस्टर्ब होगा, थम जाए अब 2 मिनट के लिए, हॉर्न पुरन चेक कर लिया, अल्टरनेटर चेक कर लिया, सारे प्रॉपर हैं, ऑयल कम कर रही है, पिकअप कम है, मुसीबत ये नहीं है, बहुत तगड़ा एक मुसीबत है। चलती है गाड़ी अचानक से कहीं बंद हो गई, फिर वो स्टार्ट होती नहीं है, चाहे कितना जोड़ लगा ले कस्टमर, तो इस कंडीशन में कस्टमर को भारी पड़ जाता है ये गाड़ी चलाना। तो सबसे बड़ा मुसीबत ये है कि ऑन रोड जो गाड़ियाँ बंद हो रही हैं वो सबसे ज़्यादा मुसीबत है, और फिर स्टार्ट होती नहीं है। सोचो फैमिली से जा रहे हो कहीं भी, रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए, स्टार्ट ही ना हो, क्या हो सकता है। तो ये तो इंजन पिंजन तो एक अलग मैटर है, मेन वो है, तो उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो एक सिरे से शुरू करते हैं, इसका इंजन ही खोलना पड़ेगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर रही है, पिकअप है नहीं, धुआँ दे रही है दबा के, स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा लेट है। खोल के देखते हैं क्या क्या चीज़ का पंगा है, फॉल्ट तक पहुँचना ज़रूरी है, और इसके रिंग पिस्टन का यही सब काम होना है, इंजेक्टरों का काम होना है, बाकी और सब तो ओके है। ठीक है, तभी मैं खुलवा के टेस्ट करवाता हूँ। अब ऑयल देख रहे हो, ऑयल में कैसे कैसे कालापन जा रहा है, इंजन ऑयल मिक्स हो रहा है इसमें भी, तो इसको भी करने वाले हैं। देख सकते हैं इतना कुछ खोल दिया, एयर फिल्टर फुल्टर वो सब पाइपलाइन, इधर का जो वायरिंग साइरिंग है सब साइड कर दी। अभी देख सकते हैं डाउन कर दिया हमने जैक लगा के इंजन को, ठीक है ऐसे डाउन करके नीचे से निकाल लेंगे। ये देखो जैक पे आ गया ना इंजन, देख सकते हैं जैक पे, अभी यही है अपना स्टाइल यार भाई, देसी छोटी सी दुकान है अपनी, देसी स्टाइल है। डाउन करिए और जैक डाउन कर, लोगों को कैसे, ये देखो उतर गया पूरा,
तो ऐसे डाउन करते हैं इंजन को। तो अभी फाइनली हमने इंजन उतार दिया है, ठीक है। अभी डायग्नोस करेंगे एक एक पार्ट कि किस में प्रॉब्लम थी, स्मोक कहाँ से था, पिकअप कौन से डाउन हो रही थी, ऑयल कहाँ से ले रही थी, सारा चीज डायग्नोस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभी ए टू जेड। एडजस्टर देखो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब बेल्ट खत्म है। अभी सारे बखेड़ लिया है मैंने, अब मैं एक सेकंड इसको भी ऊपर करूं। ये ठीक है, ये खराब है, ये सही है। एक ए टाइट, एक ए टाइट। ये भी टाइट है, ये भी टाइट है। ऑयल पानी भी चूंकि मिक्स हो रहा था ना इसमें, वो चीज़ भी देखनी है हमें, कहीं से फॉल्ट तो नहीं है। गैस्केट का फॉल्ट नहीं होगा तो फिर ऑयल कूलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डब्बे में ऑयल भी जा रहा है। स्टार्टिंग लेट का तो टैपेड एक आध दो टाइट था, वो तो समझ में आया, लेकिन जो साउंड था, ऑयल कंजप्शन कर रहा था, वो कहाँ से गड़बड़ है। ऑयल पानी के अंदर, कूलेंट के अंदर मिक्स हो रहा था, वो कहाँ है, वो चीज़ें सारी चेक करनी है। चलो ये गैस्केट तो ठीक लग रहा है, हटाओ इससे गैस्केट को, पड़ली साइड में कर, अब थोड़ा सा पास में कर इसे। इंजेक्टर तो मुझे लग रहा है इंजेक्टर चारों के ही गए हुए हैं। एक ए इंजेक्टर, एक ए परफेक्ट काम कर रहा सिलेंडर, ये वाला देख रहे हो ना, ये क्या दशा हुआ पड़ा है। रे क्लियर कर कैमरा, पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इधर करता रहे। हाँ, पब्लिक को कंफ्यूजन हो गया तो फिर मामला खराब है। ये वाला सिलेंडर भी सही काम नहीं कर रहा, ये तो ज़्यादा ही बुरा कंडीशन में है। और इसके हीटर प्लग भी देखो, किसी का अंदर है, किसी का बाहर है, चक्कर क्या है भाई। एक का इतना बाहर है और टक 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 की जो साउंड कर रही थी वो, ये देखो अभी जो स्टोक गड़बड़ कर रहा था वो ये है, देख रहे हो ना, ये कितना चाल है इसमें, इसमें और इधर दिखाइए, इसमें थोड़ा सा कम है। सबसे पहले हमने स्लीप चेक करना है, स्लीप की क्या कंडीशन है। मेरे को कपड़ा दे दे यार तू, बार बार एकदम क्लियर होना चाहिए मामला। स्लीप तो कट रहा है, देख सकते हैं कितना कैसा बढ़िया कट रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा नॉइज है यार। ये तो ऐसे ही यही खड़खड़ कर रही है, और यही ऑयल का कारण है, इसी से ऑयल खत्म हो रहा है। देख सकते हैं ज्यादा ही कटा हुआ है, अब पिस्टन कट रहा है कि स्लीप कट रही है, तो अब निकालने के बाद ही टेस्ट हो पाएगा। इधर देखा इसका क्या कंडीशन, ये भी कटा हुआ है ज्यादा। दे रहे 18 का पाना, दे तेरा पोलो में हो गया रे, नीचे का चंबर उमड़ लग गया। अरे तो तुम थोड़ा सा रे, तेरे से कूलेंट ही ना चेंज हो पाया क्या रे। अभी तुम लोग भी ध्यान दो, ठीक है। यही आवाज था, चल इसमें अभी। हाँ तो अभी हो गया, इधर दिखा, पब्लिक को दिखा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कट रहा है, जब स्टोक लगता है ना इस टाइम में, दे और ऊपर कर, पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर कर। जब स्टोक लगता है, नीचे से पावर कंप्रेसर स्टोक आता है, और जब पावर लगता है, पावर लगने का मतलब क्या है, पावर यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर। पावर का मतलब पिस्टन का दबाव जब पड़े लगा तो जहाँ लूज होगा उधर ही आवाज़ करेगा, जो पार्ट लूज होंगे वही आवाज़ करेगा। तो इस कंडीशन में पावर स्टोक पे आवाज़ कर रही थी चारों पिस्टन, और स्लीप इसके, ये स्लीप कटे हुए हैं। अभी जो पिकअप लॉस हो रहा था आप देख सकते हैं, इजीआर वहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इजीआर का पूरा रास्ता ही पूरा ब्लॉक है, ठीक है। ये वाला जो है अंदर, इसके अंदर, और अभी मैं बहुत जमा पड़ा है मामला, तो पिकअप डाउन तो इसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। और टर्बो का क्या कंडीशन है भाई, आ जाओ जी टर्बो जी। डीजल गाड़ी का काम करने के बाद डीजल वाली जो फीलिंग आती है ना,
टर्बो तो बिल्कुल परफेक्ट अभी दिखा रहा है, टर्बो ठीक है अभी दिखा रहे, गियर निकाल दिया अलग। बैरिंग का क्या कंडीशन है? सही है बैरिंग, क्लच क्लच सेट, अब खोलो क्लच सेट सारा देखें क्या क्या है, बखेरो पहले। एक कैटली कन्वर्टर का क्या हाल है भाई साहब? कैटली कन्वर्टर तो सही है पर मामला जाम होता है इधर साइड से, तो इसको भी हमें क्लीन करके बढ़िया करके लेना पड़ेगा। कैटली कन्वर्टर ये ठीक है, टूटा नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इसको तो संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सही है, सही है, सही है, सही है। तो अभी कनेक्टिंग रोड तो मुझे चारों ठीक लग रहे हैं, ठीक है, बाकी बखेरते हैं अभी, पिस्टन विस्टन निकालते हैं क्या कहानी है। चलो भाई, तो अभी क्लच प्लेट खोले हैं और क्लच प्लेट भी इसके ख़त्म है, देख सकते हैं, और मैं बता भी देता हूँ, देख सकते हैं जो ग्रिप है इसकी सब ख़त्म हो गई, जितनी भी ग्रिप थी आप देख सकते हैं, कहीं भी ग्रिप दिखाई नहीं दे रही। एक ये साबुत ग्रिप है और एक इधर हल्का सा साबुत है, वो भी लास्ट चरम सीमा पे ही है। इधर की थोड़ी थोड़ी ग्रिप ठीक है पर पटली साइड का ग्रिप तो बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। कलर सेट भी मुझे चेंज करना ही पड़ेगा हर हाल में। अभी डायग्नोस करते हैं, इसके पिस्टन निकालते हैं, चैम्बर तो खोल लिया हमने, पिस्टन निकालो भाई। अभी चारों पिस्टन निकाल दिए हमने बाहर और पिस्टन का कंडीशन तो थोड़ा सा मेरे को गुड सा लग रहा है भाई, के माइक्रोमीटर से टेस्ट करेंगे तब असली रिजल्ट पता पड़ेगी। लेकिन रिंग का ज़्यादा फॉल्ट था, आप देख सकते हैं कितना कार्बन भरा हुआ है अंदर में, ठीक है, तो रिंगों का ज़्यादा फॉल्ट था, बाकी पिस्टन की कंडीशन तो ठीक लग रही है। इसका भी वही हाल है और इसका भी वही हाल है, ठीक है। ये तो माइक्रोमीटर से टेस्ट होगा पिस्टन क्या कंडीशन आ रही है पिस्टन की, रिंग का देखो वालो। अभी ये टॉप रिंग, कंप्रेशर रिंग और ऑयल रिंग, ये टॉप रिंग कंप्रेशर रिंग देख सकते हैं होल हुआ पड़ा है, और ये ऑयल रिंग, तो रिंगों का फॉल्ट था, स्लीप बहुत ज़्यादा कटी हुई है, स्लीप और रिंग, ठीक है। इसमें ये किनारी है ना, ये घिस गया है, कंप्रेसर रिंग भी कट गया है और इसका किनारी से नहीं घिसा है, ये प्लेन है, और ऑयल रिंग भी कट गया है इसके, तो ये सारे रिंग है। तो रिंगों का फॉल्ट था ये, जो इस तरीके से कर रही थी, और हाई प्रेशर पंप और इंजेक्टर में फॉल्ट है कि जो स्टार्टिंग लेट थी, ठीक है, और जो ऑयल उठा रही थी पिकअप डाउन था, वो सब इसकी वजह से था। स्टोक सारे, कोई भी स्टोक रुकी ना रहे, डायरेक्ट हो रहे हैं, आप अभी भी गैप देख सकते हैं, इतना दूर कैमरा कर रखा हो फिर भी गैप का कंडीशन आप लोग देखें कितना बुरा गैप है। अभी सीटों का कंडीशन आप देखो, ये वाला सीट तो ख़राब है, देख रहे हैं ना कितना ब्लैक ब्लैक सा, ये ख़राब है सीट, ये सीट की शाइनिंग है प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें ब्लैक ब्लैक है, ये ख़राब है, ये शाइनिंग है, ये अच्छा है। अभी मैं इस पर भी बात करूँगा, ये ख़राब है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये अच्छा है, यानी छोटे वाल सारे ख़राब हैं। और अंदर का कंडीशन देखो आप, ये बड़े वाल छोटे वाल, बड़े छोटे, बड़े छोटे, बड़े और ये छोटे, ये तो हो गया वालों का, वालों की सीट की और इंटरनल प्रॉब्लम का। अभी ये देखो, ये वाल रखे हुए हमने और देख सकते हैं किनारी इसकी कितनी कटी हुई है, वाल की किनारी कटी हुई कितनी है, बहुत ज़्यादा। इसकी भी ये सीट ख़राब हो गया पूरा इसका, ये वाल तो प्रॉपर काम कर रहा है ये वाला, लेकिन इसकी किनारी जो है ना कट के बहुत ज़्यादा कट के अंदर घुस रहा है, ये सीट ख़राब है पूरा, ये वाल ही ख़राब है इस, ये ठीक काम कर रहा है लेकिन किनारी कट गई, वाल नीचे चला गया, इसीलिए टैपेट सारे टाइट हो गए थे, वाल कटने के वजह से सारे टैपेट टाइट हो गए थे। मैंने टैपेट चेक कराया था ना, तो ये जितने बड़े वाल थे सबके टैपेट टाइट थे, यही कारण था, वाल कट गया टैपेट टाइट हो गया। ये देखो ये रुक रहा है कितना तगड़ा, ये देखो कटा हुआ पूरा, देख रहे हो ना इतना कटा हुआ वाल, तो इसलिए टैपेट टाइट हो गया था। तो ये वालों का सारा काम करवाना पड़ेगा ए टू जेड, और कंडीशन आप लोग देख ही लो, कंडीशन ठीक तो है नहीं इसकी, और इधर से आप देख लो
बड़े मजा ही करने पड़ेंगे तब निखर के आवेंगे पार्टी। ये चार हीटर प्लग खोले हैं, इसमें एक हीटर प्लग डला हुआ है एक्स्ट्रा, लेकिन डलने का कारण ये है कि ये थोड़ा सा लंबा है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेजरमेंट आप मिला लो। बाकी क्रैंक है, ये देख सकते हैं क्रैंक, दाग नहीं है कोई क्रैंक में, इसलिए इसकी वो करवा के ग्राइंडिंग करवा के स्टैंडर्ड साइज ही आ जाएगा ये। अभी हेड की सफाई देख सकते हैं, अभी धोया है इस हेड को, काफ़ी रगड़ने के बाद से डीजल गाड़ी लग नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेट्रोल गाड़ी है, जैसे ये हेड खुला है देख सकते हैं। तो इसका भी पेट्रोल गाड़ी की तरह ही मैंने फिनिशिंग दी है इसको, देख सकते हैं। अभी काम नहीं करवाया है, ये देखो देख रहे हो नहीं, अभी काम नहीं करवाया है, इंटरनल तक भी एकदम चकाचक सारे कर रखा है देखो। अब ये खराद पे जावेगा, ये देखो अभी खराद का काम हुआ नहीं है ठीक है, और ये धुलाई कर दी मैंने कंप्लीट, अब खराद से होके आएगा तब धुलेगा बढ़िया करके, तब इसकी फिटिंग होगी। और एक इको स्पोर्ट का इंजन खोल रखा है, अब उसका नंबर है ठीक है। और अभी तक जो आपने वीडियो देखा वो लॉकडाउन से पहले का वीडियो था, और इस इंजन को मैंने लॉकडाउन से पहले ही खोला था, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो 2 महीने तक तो काम करे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला तो हमने काम शुरू किया और इसको इंजन को ओवरऑल करना शुरू कर दिया, और ओवरऑल करके गाड़ी डन बना दी, गाड़ी हो गई एक नंबर की। लेकिन अभी इसका वीडियो मैं कंप्लीट नहीं दे पा रहा हूँ इंजन ओवरऑल का, लेकिन आपने अब तक 16 मिनट 50 सेकेंड वीडियो देख लिया, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो है निसान सन्नी डीजल इंजन, इंजन सेम है, उस इंजन उसका इंजन ओवरऑल करा है मैंने, तो आप उस वीडियो को 16 मिनट 50 सेकंड स्किप कर दीजिए, 16 मिनट 50 सेकंड स्किप कर देंगे तो इंजन ओवरऑल का शुरू हो जाएगा, तो आप पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि उसका इंजन ओवरऑल मैंने कैसे किया, क्या क्या चीज़ें चेंज करी, क्या क्या होता है ओवरऑल में, कैसे करते हैं इंजन को ओवरऑल, पूरी डिटेल में बताया है, उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ ठीक है। और एक वीडियो डाल रखा है इसलिए मैंने इस वीडियो को, क्या लॉकडाउन में जल्दी जल्दी करना पड़ा इसलिए मैंने दिया नहीं वीडियो, तो ठीक है, इतना समय दिया, इतना आपने वीडियो को देखा, दिल से थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।